कृषि दर्शन देखैया, छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो कथे, सफलता मनखे के कदम चूमथे और मेहनत करिया मनखे के सफलता कदम ल चूमथे। बिल्कुल सही बात है, ये बात ल हमन जुन्ना समय ले सुनते आत हन, लेकिन यदि चरितार्थ में देखना है संगवारी हो, तो आज के कार्यक्रम में आप मतलब बिल्कुल पता चल जाही कि बिल्कुल मैं सही गोठियाए हूँ। संगवारी हो, मैं खड़े हो ते में चारों मुड़ा आप मन देखत हो, आम के बगीचा में खड़े हों। बिलासपुर ले कोटा रोड में भरारी गांव है, तो यहाँ 34 एकड़ में आम के बगीचा लगे है। और ये बगीचा लगैया जो न छत्तीसगढ़ के आम के यदि खेती करैया में भीष्म पिता कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, काबर की सफलता मेहनत करिया मन के कदम चूथे में पहली के हैं हो। और वैसे शख्सियत से मैं आज आप गोट बात कर रहा हूँ, आप मान लें जेन है आम के खेती करे के भीष्म पिता कहलाते, वो हमें युवा मन पर प्रेरणा तक हरे। तो संगवारी हो, आप मन जान डरे हो कि आज आम के खेती के बारे में चर्चा हमन करबो। संगवारी हो, मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, ओकर पहली आप मन ला दिखाना चाहता हूँ ये कुछ खास संदेश। जलवायु इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग 8-10 सालों से गन्ने की खेती में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उत्तर प्रगति हुई है। और देखेंगे कि जो कवर्धा वाला एरिया है या अंबिकापुर का कुछ एरिया है, बालोद तरफ का कुछ एरिया है, जहां पर ख़ास तौर से गन्ने की फैक्ट्रियां, शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल लगी हुई है, वहाँ पर उसका काफ़ी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और किसानों की रुचि भी बढ़ती जा रही है, प्रायः रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उत्पादकता भी बढ़ रही है लगातार। और उत्पादकता अगर बढ़ रही है, इसका मतलब जो जलवायु है इसके लिए वो उपयुक्त है। तो उपयुक्त जलवायु में इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती करना कब, क्योंकि इसकी जो लगाने की समय है, 3 अलग अलग समय पर लगाया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं फसल, ये लगभग जनवरी फरवरी की लगाई हुई फसल है, और इस तरह से आप अलग अलग समय पर इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। संगवारी हो, संदेश के बाद आवाओ फिर चलन हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन कोती। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश सन 2000 में बनीस, लेकिन वनों से आच्छादित हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश ल 3 भाग में बांटे गए हैं, आप मन सब जानत हो। अंबिकापुर क्षेत्र और रायपुर महासमुंद दुर्ग के मैदानी क्षेत्र और बस्तर के पठार, यहाँ के जलवायु और भौगोलिक दृष्टिकोण से कर नक्सल यदि हम देखन तो कर रेखा भी हमर छत्तीसगढ़ ले गुजर थे, आप सब जानत हो। तो संगवारी हो, यहाँ के जन जलवायु हो ओकर हिसाब से, यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से आम के खेती के संभावना, एकर महत्व कतेक है, आव जानथन प्रगतिशील कृषक श्री बजरंग लाल केडिया जी से, ओकर गोठ, ओकर जुबानी सुनथन आम के संभावना और खेती। मैंने ये जो आम का बगीचा लगाया है, ये बिलासपुर से 24 किलोमीटर दूर कोटा के रास्ते में है। यह बगीचा वैसे देखा जाए तो डॉक्टर रामलाल कश्यप का वरदान है। डॉक्टर रामलाल कश्यप का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यदि वो नहीं होते तो शायद ये बगीचा होता ही नहीं। कैसी भी ज़मीन होगी उसमें आम हो सकता है। उसका कारण है, छत्तीसगढ़ में 40 इंच से 60 इंच बरसात होती है पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बस्तर ज़िला हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो धमतरी हो, चाहे कुरूद हो, कोई भी जगह है, रायगढ़ हो, जशपुर हो, सब जगह पानी 40 इंच से 60 इंच बरसता है। यहाँ किस से थोड़ी सी दूर पर ही कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से पहले वो चली जाती है, इसलिए यहाँ धूप भी बहुत होती है और पानी भी अच्छा बरसता है। तो यहाँ आम की फसल नहीं लेने का कोई कारण नहीं हो सकता। और यदि इसको व्यावसायिक ढंग से, पूरे औद्योगिक ढंग से, तकनीकी रूप से सही ढंग से लगाया जाए तो इतना आम पैदा होगा कि वो और दूसरे प्रदेशों से बहुत अग्रणी हो सकता है। बनारस में लंगड़े आम की कदर बहुत है, बनारस में लंगड़े आम की मांग बहुत है। हमारा आम 1 महीने पहले आता है और वहाँ पर बहुत ऊँचे दाम में बिकता है। यहाँ सारनाथ से हम लोग भेज देते हैं उसको टोकनी में, 50-60 टोकनी एक साथ, तो उसका दाम अच्छा मिलता है। सब मिला करके आम की आर्थिकी और भी किसी भी दूसरे क्रॉप से
अपने छत्तीसगढ़ में अच्छी है। उन्होंने ये बताया कि अल्फांसो भी हो सकता है यहाँ, और मेरे यहाँ 80 पेड़ अल्फांसो के हैं। सब मिलाकर ये बहुत फायदेमंद है। अब आपको आगे भी बताऊंगा मैं तो 30-40 लाख का आम बेचता हूँ हर साल। आप भी यदि आम लगाएंगे तो बहुत फायदेमंद है। आप मन ये जान के भी खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ के जो ज़मीन है उसमें आम के खेती अच्छा से हो सकत है। ये बात लकेड़िया जी बताही कि ज़मीन के कैसे तैयारी करना है और उसमें कौन कौन सा पौधा हमला रोपना है और कब कब जमीन के तैयारी करके उसमें गड्ढा बना के छोड़ देना है, ये सब बात ला सुनथन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी। आपको जहाँ तक बने मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के पहले सप्ताह में गड्ढा खोद लेना चाहिए। और हम लोग तो 10 मीटर के अंतर से लगाए हैं, 10 मीटर मतलब 30 फीट से 30 फीट की दूरी चारों तरफ। यदि हो सके तो 25 फीट भी हो सकता है और 35 फीट भी हो सकता है। और उसमें आम के पौधे को खुदाई, पौधे के लिए लगाने के लिए खुदाई आपको मार्च और अप्रैल में कर देनी चाहिए। फिर उसमें मिट्टी डाल दीजिए, दो तीन चार मतलब 50-25 किलो गोबर डाल दीजिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो कि दीमक मारने की दीमक रोधी दवाई होती है वो डाल दीजिए। और डाल करके बाद में डालना है, पहले तो गड्ढे को खोद कर छोड़ देना है। 15-20 दिन में उसकी नाइट्रोजेनिक वैल्यू बढ़ जाएगी, उसमें नाइट्रोजन घुस जाएगा और ज़मीन भी भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको भर्ती कर देना चाहिए बरसात आने के पहले, मई या जून में। जून में जब बरसात हो उसके पहले उसको उसे मिट्टी और गोबर वगैरह खाद वगैरह थोड़ा सा डाल करके उसको पूरा कर देना चाहिए। फिर जुलाई के आसपास जब अच्छी बरसात हो जाए एक दो बार, तब पौधे रोपना चाहिए। अब आप ये कहेंगे ये पौधा कहाँ से मिलेगा? पौधा यहाँ कई नर्सरी है। वैसे तो उद्यानिकी विभाग बहुत आतुर है कि किसी तरीके से भी यहाँ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों। अब बात आते कि जैसे कि हमार छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति यदि हम देखन तो आम के उन्नत किस्म के चयन हमला करना है। छत्तीसगढ़ में आम होते, छत्तीसगढ़ में हम बेचथन, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर भी यदि हम आम बेच सकथन का, तो कौन कौन सा किस्म के आम लगावन जेकर हमार मांग हावे विदेश में और दूसर प्रदेश में भी आम के हम मांग ला पूर्ति कर सकन, ऐसे कौन कौन सा किस्म है जिला लगा सकन, आवा सुनथन केडिया जी के बात ला। छत्तीसगढ़ में पहले से जो लोकप्रिय है वो दशहरी और लंगड़ा है। जब मतलब इसका यूपी की दशहरी और बनारस का लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा, ये जो सबसे ज़्यादा आता है वो उसका मार्केट यहाँ पर बना हुआ है। और जितना भी आम हो वो बिक जाएगा, ये पक्की बात है। और रह गई बात अल्फांसो वगैरह की, वो सब मिलता है, सब लगता भी है और अच्छा फलता है। अल्फांसो यहाँ बहुत अच्छा फलता है, पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट का जो हवाई जहाज़ का जो स्टेशन है, बेंगलोर है या बॉम्बे है या वेरावल है, ये सब बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। तो उसके लिए फ्रीजर चाहिए, तो उसकी ज़रूरत फ्रीजर ट्रक चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो सकता और ज़रूरत भी नहीं है। एक बात बता दूँ, आम और केला दुनिया में दो फसल कैसी भी होगी पर हिंदुस्तान में तो ये है कि जितना भी आम होगा वो खाया जाएगा, जितना भी केला होगा वो खाया जाएगा। जबकि ये बात अनार और अंगूर के साथ नहीं है। जो गरीब आदमी है भले ही सस्ता हो जाए उसको ही नहीं खाता, उसको नहीं खरीदता, पर केला ज़रूर खरीदेगा, आम ज़रूर खरीदेगा, इसलिए इसकी खपत की कोई कमी है नहीं। आप यदि 10 पेड़ भी लगाएंगे तो आराम से 20-30 हज़ार रुपये साल का अपने आप कमा सकते हैं। छोटी से छोटी ज़मीन में, अपने कोला में, बाड़ी में, कहीं पर भी घेर करके उसको मतलब क्या बोलते हैं ट्री गार्ड लगा करके उसको बड़ा कर लीजिए और वो हमेशा के लिए काम आएगा। बड़ा हो जाएगा उसके बाद तो दुनिया भर की बात है, आपको बहुत सुख देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगवारी हो, बेरा हो गए ठनौ संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन भर है कुछ खास। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए। बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आज के समय देखन गर्मी ज्यादा करते, पानी के समस्या विकराल रूप धारण करते, लेकिन फसल यदि हम लेवत हन, आवाम के बगीचा लगावत हन तो 50 साल कम से कम ये फसल ला लेथन, तो पानी तो हमला जरूरत पड़बेच करी। लेकिन समय बदलत है, तकनीकी में बदलाव आ है, तो आम के पौधा हम लगाए हैं, आम के बगीचा यदि हम लगाए हैं तो जल के प्रबंधन, सिंचाई हम कौन कौन सा तरीका से करन, कब कब करन, कैसे कैसे करन, ये बात के जानकारी लेना जरूरी है। तो आवा सुनथन देखथन केडिया जी का बताते कि जल प्रबंधन के बारे में, आवा सुना। पहले 5 साल तो आपको ड्रिप चाहिए ही, 5-7-10 साल ड्रिप नहीं लगाएंगे तो आपका पौधा आप जीवित नहीं रख सकेंगे। लोग डेयरी इसलिए नहीं खोलते कि उनको जो सेवक रहते हैं डेयरी में काम करने वाले राउत लोग पानी तक नहीं पिलाते कई बार, तो आम तो चिल्लाना भी नहीं जानता। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ड्रिप लगाएं, वो मशीन आपकी पेड़ों को बड़ा कर देगी। थोड़ी सावधानी रखिए कि ड्रिप में पानी अनवरत और ख़ास करके मतलब दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक, मई तक अच्छे तरीके से ड्रिप काम करता रहे। पानी की बहुत आयत होगी तो आम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आम जब बढ़ जाएगा उसके बाद जब उसमें फलने लग जाएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आम का जब फल यानी 2-4 ग्राम का हो जाए, अकड़ी इतना बड़ा, चना इतना बड़ा, उसके बाद बहुत पानी चाहिए। उसको 4-5 ग्राम के आम को आपको 250 ग्राम का आम बनाना है, 150 ग्राम का आम बनाना है, उसके लिए पानी ही एक उपाय है। तब 1-1.5 महीने बहुत ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है और आम के लिए विशेष पानी की ज़रूरत नहीं। संगवारी हो, अभी ज़माना चला थे ये बताते सबो वैज्ञानिक मन कथे कि अब जैविक खाद के प्रबंधन करो, रासायनिक खाद ल छोड़ो। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, बात अभी हमला नवा लगा थे लेकिन ये बात बहुत पुराना है। जैन प्रगतिशील कृषक है या 60 के उम्र पार कर चुके किसान है ते बताते कि पहले घुरवा खाद ल डालते रहन, गोबर खाद ल डारन, बीच में ये पद्धति बंद हो गई रही से रासायनिक खाद को ती चल दे रहे हैं, व्यवसायिक रूप से करत हन खेती तब। लेकिन संगवारी हो, जोन मिठास जोन प्रगतिशील किसान मन बताते कि जोन भी फसल यदि हम लेथन ओमे जो पौष्टिकता है, उकर मिठास है,
वो होते जैविक खाद में। लेकिन कुछ कुछ समय में ऐसे रही थे कि हमने थोक बहुत रासायनिक खाद के भी प्रयोग करना पड़ते। तो संगवारी हो, आम के बगीचा में हम खाद के प्रबंधन कैसे करन, कौन कौन सा खाद के प्रबंधन करन, कब कब हमला का खाद देना है, ये बात के भी जानकारी आप मतलब देवा थे केडिया जी है। देखिए, खाद तो 12 महीना नहीं दिया जा सकता। फसल कटने के बाद हम लोग पूरे थालों की में पावर टिलर से वो मिट्टी उलट देते हैं। मिट्टी उलटने के साथ ही उसके पहले ही उसमें हम लोग उसमें केंचुआ खाद डालते हैं। मेरे यहाँ केंचुआ खाद का बहुत 9-10 टंकी है और कम से कम 10-20 लाख केंचुए हैं। उससे पर्याप्त केंचुआ खाद हम लोगों को मिल जाता है और हम लोग गोबर लाते भी हैं डेयरी से बहुत सा उनके लिए केंचुआ खाद के लिए। केंचुआ खाद देने में फ़ायदा ये है कि फलों में मधुरता होती है। मिठास तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, मधुरता एक अलग बात है। जिसमें फलों में यदि केंचुआ खाद होता है तो वो उसमें आता है। और रह गई बात, वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा यूरिया, थोड़ा DAP शुरू शुरू में देना पड़ता है, बहुत कम तादाद में, और बाद में तो ज़रूरत भी नहीं है, पेड़ अपने आप में संभल जाता है और उसमें खाद की विशेष बात नहीं है। हाँ, खरपतवार यदि नीचे में कम रहेगा तो बीमारी कम होगी। खरपतवार में ही पूरे कीड़े और जो दीमक वगैरह और दूसरे कीड़े हैं, कई किस्म के कीड़े इसमें लगे रहते हैं जिससे बात बिगड़ सकती है। उसके रोकथाम के लिए पूरा उपाय करना है। संगवारी हो, ये तो रही इस खाद प्रबंधन के बारे में जानकारी। लेकिन यदि आम के बगीचा लगे है तो समय समय में आम के कटाई छटाई भी बड़ा जरूरी है। संगवारी हो, ये कहे जाते हैं चाहे मनखे हो चाहे पेड़ पौधा हो, हमार सूर्य भगवान के जो रोशनी है वो पड़ना जरूरी है। यदि सूर्य भगवान के रोशनी नहीं पड़े तो पौधा बढ़वार नहीं होवे, ओला छाया ज़्यादा मिल ही तो पौधा के बढ़वार कम हो जाए। तो यही बात के जानकारी हमें लेना चाहिए कि आम के पौधा यदि हम लगाए हन तो कौन कौन सा समय में ओकर कटाई छटाई करना जरूरी है, कैसे ओकर रोशनी वाला पड़ना चाहिए, ये बात के भी जानकारी महत्वपूर्ण है। संगवारी हो, तो आवा सुनथन केडिया जी से कि कटाई छटाई पौधा के कब करना है और काबर एकर जरूरी है। पौधों के चारों तरफ जो फैलाव होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी आपस में जैसे जैसे ज़्यादा दिन होंगे तो जुड़ जाते हैं। पूरा खेल आम के पौधों का या किसी भी बगीचे का या किसी भी पेड़ पौधे का वो सनहीट है। सूर्य की गर्मी, सूर्य की उष्मा, सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। और यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी, सूर्य रोशनी नहीं मिलेगा तो आम में बौर भी नहीं आएंगे, आम में फलने का तो सवाल ही नहीं है। बौर आना चाहिए, बौर आएगा उसके बाद फल जाएगा। तो सूर्य की रोशनी यदि जुड़ने लग जाती है तो उसको कटाई करना पड़ता है। उसको हमारे बगीचे की भाषा में कहते हैं प्रोनिंग। एक दूसरे से जुड़े मत, पूरे पेड़ को पूरी तौर से अपने सनहीट मिले, सूर्य की रोशनी मिले, सूर्य से उष्मा मिले तो पेड़ अच्छे तरीके से डेवलप भी होता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसमें बीमारी भी बहुत कम लगती है। यदि नीचे में खरपतवार कम होगी तो कीड़े को पनपने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक और बात है, हम लोग एक खास उपाय करते हैं, दिवाली के बाद बरसात ख़त्म होने के बाद बोडो पेस्ट लगाते हैं। वो हमारे लिए बड़ा खर्च है, पर वो बोडो पेस्ट मतलब कॉपर सल्फेट और चूना और अलसी, वो तीनों चीज़ मिला करके, अलसी तेल, तीनों चीज़ों को मिला करके नीचे से 3-4 फीट तक उसकी पुताई करनी है। उससे दीमक रोधी हो जाता है और दूसरे कीड़े भी नहीं पहुंच सकते। संगवारी हो, हमन चर्चा करत हन आम के खेती के बारे में, व्यवसायिक रूप से खेती के बारे में। लेकिन संगवारी हो, जोन कृषक बचपन से मेहनत करके 50-60 साल अपन उम्र ल पहा डरिस और आम के बगीचा में खेती कर करके प्रकृति से जुड़ के पैसा भी कमाइस, लेकिन प्रकृति से जुड़ के अपन स्वास्थ्य लाभ भी लीस, ऐसने हमार केडिया जी के बारे में ओकर सफलता के कहानी बताए बर मैं बुलावत हूँ हमार परम मित्र और कृषक, प्रगतिशील वह कृषक हरे सुरेश लिखमानिया जी। वो बताही कि बजरंग केडिया जी के सफलता की कहानी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस बगीचे पर खड़ा हूँ, ये बगीचा आदरणीय श्री बजरंग केडिया जी का है जो विगत 25 वर्षों से आम की खेती कर रहे हैं और आम की खेती में एक सफल कृषक की हैसियत रखते हैं। और आम की खेती से इनने अपने स्वास्थ्य को भी उन्नत किया है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के पास रहने से
स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और यह आम की वैरायटी में लंगड़ा है, दशहरी है और अल्फांसो आम, जो कि विदेशों में भी जाता है, अल्फांसो भी लगा रखा है। जो अल्फांसो आम ये बम्बई तक भेजते हैं। तो आम की खेती करने से मतलब भरपूर रूप से इनको फायदा मिल रहा है। फांसो आम बम्बई में दर्जन में बिकता है, 500 रुपये दर्जन में बिकता है, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है अपने। और छत्तीसगढ़ में इन्हें अल्फांसो की अच्छी वैरायटी लगा के बता दी कि यहाँ भी हो सकता है ये आम। आम के बगीचा लगा के, फार्म हाउस लगा के जब खेती कर सकत है तो संगवारी हो, आप और हम तो युवा हरण कानी कर सकन, कथे युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो संगवारी हो, एकरे संग अब बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, तो आप मन देखो सुनो ये बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। अभी मौसम भी अच्छा है, समय भी बढ़िया है आम के खेती करे के, शुरुआत करे के। तो मैं निवेदन करत हूँ खासकर युवा संगवारी मन से कि आप मन खेती करे बर, आम के बगीचा लगाए बर उठाओ और आगू बढ़ाओ, देश लागू बढ़ाओ। तो संगवारी हो, अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर बेरा कुबेर फिर आबो। तब तक अपने संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।